एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सिर्फ किसी किसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है प्रिया जी के बारे में और उनकी ननंद ज्योति के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ प्रिया जी के लिए कि मैं पहले उनकी बहुत सी अच्छे अच्छे व्लॉग जो बनाती थी, मैं बहुत देखती थी, कंटिन्यू देखती थी और मुझे बहुत अच्छी भी लगते थे उनके व्लॉग्स। बट अब पता नहीं क्या, धीरे धीरे उनके व्लॉग्स में एक तरह से झूठ नजर आता है। और मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि वो जो टाइटल डालती हैं, तो कई बार उससे कोई ना कोई हर्ट भी बहुत होता है, मैं भी बहुत होती हूँ। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उनके साथ 2-3 बार वो टाइटल डाल चुकी हैं प्रेगनेंसी के ऊपर और अपनी वीडियो भी बना चुकी हैं। तो मैं प्रिया जी से यही पूछना चाहूंगी कि प्रिया जी, आप एक तरफ तो ये कहते हो कि मैं खुल के बात नहीं कर सकती इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरे घर के भी देखते हैं, मेरे गांव के भी देखते हैं। तो जब आप ये चीज कहते हो, तो फिर आप उस टॉपिक के ऊपर टाइटल डालते ही क्यों हो? दूसरी बात, आपके साथ मिस कैरेज हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सी लेडीज़ों के साथ ये सिचुएशन आती है, मेरे साथ भी खुद आई है। बट आप इस तरीके से उसको, आपके साथ जो भी हुआ, आप नेक्स्ट डे ही वीडियो बना देते हैं। शायद मैं ये चीज़ कभी नहीं कर पाऊंगी और ना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी 2-3 बार मिस कैरेज हो चुका है। तो शायद मैं जब उस चीज को याद करती हूँ तो मुझे अभी भी बहुत दुख होता है और बहुत सी लेडीजों को बहुत दुख होता होगा। बट आपके लिए, जब आपके साथ अब की बार ये जब प्रॉब्लम आई थी, आपने नेक्स्ट डे ही मतलब वीडियो डाल दी, तो मुझे नहीं पता कि आप एक तरफ कहते हो मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, दूसरी तरफ आप अपने माइंड को इतना प्रिपेयर कर देते हो कि आप वीडियो डाल देते हो, जबकि उस सिचुएशन में हम इतना बैड फील करते हैं, इतना दुख होता है हमें कि हमें उस टाइम पे मतलब कुछ नहीं सोचता, नहीं किसी से बात करने तक का मन भी नहीं करता। और अपने आप में अंदर ही अंदर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और आपने अपने उस पे वीडियोस पे कई बार ये बात बोला, स्टार्टिंग की वीडियोस आप सबसे पहले देखना, आपने ये बात बोली थी कि आप की एक फ्रेंड है, और फ्रेंड भी नहीं कह सकते, मतलब कि आप उनकी वीडियोस देखते थे और आपको बहुत अच्छी लगती थी दिव्या जी। तो आप दिव्या जी के घर गए, उन्होंने बहुत हेल्प करी, आपने खुद बोला था अपनी वीडियो में कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, वीडियोस को कैसे बनाते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे बोलते हैं, आपको कुछ नहीं आता था। तो प्लीज प्रिया जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जब आप खुद ये बात बोलते हो कि उन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी है, तो आप एक इस टाइम पे बड़ी यूट्यूबर बन चुकी हैं। जब कोई छोटा यूट्यूबर आपसे हेल्प मांगता है, पिन भी मांगता है, तो आप कुछ भी किसी की हेल्प नहीं करते हैं। आपने जितनों की भी हेल्प करी होगी, वो सिर्फ अपने घर के जो आपके सदस्य हैं उनकी हेल्प करी होगी, उनको वीडियोस बनाना सिखाया होगा, और अदर मेरे को नहीं लगता आपने किसी की हेल्प की हो। ये अलग बात है, आप दिव्या जी के घर चले गए थे, इस टाइम एक छोटी यूट्यूबर है, कुछ लॉकडाउन भी हो गया है तो कोई किसी के यहाँ नहीं जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कोई सब किसी ना किसी के घर जाए तभी कोई प्रमोट करे, तभी कोई कुछ सिखाए। जब इस मुकाम पे आदमी पहुंच जाता है तो वो सिर्फ एक जनता का सपोर्ट होता है और एक भगवान की हेल्प होती है कि किसी ना किसी के जरिए कोई ना कोई मिलता है, आगे निकलता है। तो जब भगवान इस काबिल कर देता है, तभी दूसरा नीचे वाला किसी से हेल्प मांगता है और इसी उम्मीद से मांगता है कि वो उसकी हेल्प कर देगा। प्लीज बुरा मत मानना, एक सच्चा दोस्त वही होता है कि जो कमियां दिखाए। तो मैं वो चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पहले वीडियोस बहुत अच्छे आते थे,
कमेंट्स इतने नेगेटिव नहीं आते थे, कुछ टाइम से आपके ऊपर इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। मैं वीडियोस अब कम देखती हूँ लेकिन कमेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और ज़्यादातर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपसे भी अगर किसी ने हेल्प मांगी है तो भगवान ने आपको उस काबिल बनाया है, तो आप किसी ना किसी रूप में आप किसी की हेल्प कर सकते हो। आपने ज्योति जी अपनी जो ननंद है उनको आगे लाया, ठीक है, मैंने भी उनके ऊपर वीडियो बनाई लेकिन मैंने किसी नेगेटिव उस पर नहीं बनाई। उन्होंने अपने आप को दिखाया कि मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो आप ये देखिए, जब उनकी प्रॉब्लम्स को देख के मैंने एक वीडियो तैयार करी कि मैं उसके लिए, मतलब उनके बेटे के लिए, कि वो कुछ नहीं कर पाती हैं वहाँ पे, तो मैंने एक वीडियो बनाई कि उनके बेटे के लिए कि भाई कोई रेसिपी दी थी कि उनको बहुत आसानी हो जाएगी, और उन्होंने वो वीडियोस के लिए लिंक भी मांगा और देखी भी होगी, बट उन्होंने कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया और आगे उस वीडियो को शेयर भी नहीं किया। कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी थी। लेकिन एक चीज होती है, जब हम किसी लेडीज को प्रॉब्लम में देखते हैं तो हम जब जैसा उन्होंने दिखाया अपनी वीडियो में कि जैसा उनके साथ ये काम है, इतने काम है, काम सब करते हैं आज की डेट में, जो लोग आप ये दिखाते हो कि हम ये काम करते हैं वो भी दिखाती हैं, और इसको भी एक गलत वे में मत लेके जाइएगा, झाड़ू कौन नहीं लगाता, पोछा कौन नहीं लगाता, घर के बर्तन कौन नहीं मांजता, कपड़े कौन नहीं धोता, खाना कौन नहीं बनाता, अपने बच्चों को कौन नहीं संभालता, सब लेडीज करती हैं, सब लेडीज। बट एक चीज होती है कि हम जिस वे में उस एक चीज होती है जिस हिसाब से उन्होंने दिखाया था, तो मैंने एक वीडियोस बनाई थी, बट कोई बात नहीं, उन्होंने शेयर नहीं करी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, आज तक उन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ ये नहीं दिखाया कि मैं ये खिला रही हूँ, मैं ये खिला रही हूँ। इतने काम होते हैं, मैं भी वीडियोस अब बनाने लगी हूँ, बट मैं पहले अपना घर देखती हूँ, मैं पहले अपने बच्चे देखती हूँ, मैं अपनी बच्ची की पढ़ाई देखती हूँ, सुबह उसकी क्लासेस होती हैं, 12:30 तक मेरे पास फोन नहीं होता और मैं कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं करना चाहती, मैं कोई काम भी नहीं करवाती, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाई है। दूसरी बात, आधे आधे घंटे में मैं अपने बेटे को कुछ ना कुछ बना के खिलाती हूँ ताकि उसको अच्छा पोषण मिल सके। वीडियोज इतनी ज्यादा मेरे लिए जरूरी नहीं है, चाहे मेरी 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियोज आती है, मैं उस तब डालती हूँ। लेकिन मैंने ज्योति जी को देखा कि वो चाहे बच्चों के लिए मतलब कुछ नहीं बना रही है, कुछ नहीं, पर उनकी वीडियो डेली अपलोड रहती है, बस 2 या 3 दिन अब देखा है मैंने, 1 दिन का गैप हुआ होगा। वो चलिए, वो आपका अपना मैटर है किस वजह से। तो मैं यही कहूंगी, प्रिया जी प्लीज, अगर आप कोई चीज ये दिखाती हैं कि अभी जैसे आपके साथ शायद 1.5 महीना या 2 महीने ही हुए होंगे जो मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही आपने एक डाला कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्या वो प्रेगनेंसी की है? तो चलिए बताती हूँ आपको। तो प्लीज, मेरे यहाँ भी आपकी बहुत लोग वीडियोस देखते हैं और मेरे को भी देखते हैं, तो वो मेरे से कुछ बातें शेयर करते हैं कि आपने उनकी वीडियोस देखी, ये वाला टाइटल डाला है आज तो बहुत मजाक उड़ता है, प्लीज इस तरह के टाइटल मत डालिए। वो यही कहती है कि 2 महीने में अभी तो इसका मिसकैरेज हुआ था, अभी इसने फिर प्रेगनेंसी का वो डाल दिया। कोई भी खुशखबरी को आप इस तरीके से लेके टाइटल मत डालिए, वो आपका अपना पोनी क्या कहूंगी मैं, सॉरी अपे नन्नो, तो मैं ये कहूंगी वो देखो आपका अपना जो भी है, मतलब कि आपका अपना टाइटल डालने का वो है, लेकिन बहुत बुरा लगता है, यहाँ के लोग भी बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत वो करते हैं, नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। तो प्रिया जी प्लीज, आप मेरी बातों को गलत मत समझना, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, एक फ्रेंड्स सच्चा फ्रेंड्स वही होता है जो कमियां दिखाता है। तो आप अपनी पहली वीडियोस जो आपने बना रखी हैं उन्हें उठा के देखिए और अब देखिए कि पहले से ज़्यादा बहुत से नेगेटिव कमेंट्स और इतने ज़्यादा आते हैं, इतना कुछ लोग बोल के जाते हैं। तो लेडीज़ की सबसे पहले होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, पैसे से ज़्यादा। आप इस टाइम पता नहीं उस तरफ ध्यान दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, तो इतना ही कहूंगी कि थोड़ा टाइटल डालने से पहले आप एक बार उसको सोच ले कीजिए कि आप क्या टाइटल दे रही हैं। मैंने भी बनाना भी शुरू किया है और इतना कहूंगी कि जो मैं टाइटल डालती हूँ मेरा अंदर वही चीज़ मैं उसको दिखाती हूँ,
और अभी जैसे आपने कहा था कि आपके भी पहले व्यूज बहुत कम आते थे, कभी 50 आ गए, कभी 100 आ गए, आप उसमें भी बहुत खुश हो जाती थी, मैं भी बहुत खुश होती हूँ। और मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ कि अभी तक मेरे पास कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए हैं, और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि नेगेटिव कमेंट मेरे पास ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह का व्यूज पाना और नेगेटिव कमेंट्स पाना शायद मैं एग्री नहीं करूंगी। और कुछ लोग ये होते हैं कि भाई हाँ बोल रहे हैं यार बोलने दो, हमें तो अपना पैसे से मतलब है, हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं। सॉरी, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ आप चौधरी हैं, जाट हैं, यहाँ भी हैं मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो भी आपकी वीडियोस देखती हैं, वो आपकी जब इस तरह की वीडियोस देखती हैं वो मुझसे फोन पे बात करती हैं, तो वो यही कहती हैं कि पता नहीं किस तरह के मतलब वीडियोस डालती हैं, कई बार तो आपकी भाषा में बोलते हैं ना, कई बार तो बहुत ज्यादा छो आता है गुस्से को। तो वो भी नेगेटिव, वो खुद बोल रही थी मुझे कि हम भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं आपकी वीडियो में, तो मैंने उनको ये बोला मत बोलिए। तो देखिए, मेरा मकसद सिर्फ आज की वीडियो बनाने का इतना था कि मैं आपको उस बात को बताऊं कि प्लीज आप इस तरह के टाइटल्स डालना, मतलब वो तो आपकी मर्जी, डालें ना डालें, लेकिन प्लीज गौर करें कि बहुत दुख होता है कि आप जब इस तरह के टाइटल्स डालते हैं। तो इतना ही कहूंगी कि कोई आपसे हेल्प भी मांगता है तो प्लीज उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको अब इस लायक करा है, नहीं तो जब आप नहीं थे तो कोई नहीं आता था। और ज्योति जी को भी मैंने आपकी वीडियोस के थ्रू जाना, उन्होंने जब अपनी प्रॉब्लम दिखाई तब मैंने वो वीडियो डाली, नहीं उन्होंने करा वो अलग बात है, उनके ऊपर भी बहुत से नेगेटिव वीडियोस बनी है, बट मैंने आज तक ना गलत बोला ना गलत वीडियोस बनाई। और इस चीज से अगर आप लोगों को अभी भी बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोलूंगी, बस मैं इतना ही कहूंगी कि आप जिस अच्छे उस पे जा रहे थे, बहुत से लोगों के इंस्पायर थे, वैसे ही बने रहें, क्योंकि मैं भी आपकी रेगुलर वीडियोस देखती थी, बट अब थोड़ा मैंने कम कर दिया है, क्योंकि थोड़ा टाइटल वगैरह से और कुछ जो चीज़ दिखाते हो टाइटल पे वो अंदर नहीं होती तो दुख होता है। तो आज का वीडियोस इतना ही, प्लीज़ बुरा लगाओ कुछ तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए मिलते हैं फिर, ध्यान रखिए अपना।